हाँ बेल बज रहा है, बेल बजा मतलब इधर आने का, मतलब मेरे को कुछ तो काम है। यस, सो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें से अगेन क्वेश्चंस पूछते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट इसका गुड पार्ट इज कि इसके जो चार्ट्स है इसमें सब कुछ कवर्ड है। सो वट एवर वी आर स्टडिंग टूडे वी विल स्टडी इट फ्रॉम द चार्ट्स एंड वेन यू आर स्टडिंग इट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम द चार्ट सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू स्टडी एंड रिमेंबर थिंग्स। जहाँ पे तुमको ऐसे लगता है कि नहीं कम्फर्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, दैट पार्ट यू कैन रेफर टू इन द वॉट डू यू कॉल द टेक्स्ट बुक। ओके, सो वील स्टार्ट विथ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में फर्स्ट पार्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसमें थोड़ा बहुत ऑडिट का भी है तुम लोग का, तो ऐसा वो तुम लोग अपने हिसाब से थोड़ा फेंक के आ सकते हो तो चलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे हैज टू हैव ट्रू एंड फेयर व्यू, अक्यूरेट होने चाहिए, जो भी लिखा हैज टू बी ट्रू एंड करेक्ट, इट कैन नॉट बी समथिंग विच इज रॉन्ग, बाहर देखो बाहर होगा। सो दैट इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपन मेंटेन करते हैं दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज टू बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years लाइक एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर योर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स एंड योर रजिस्टर ऑफ योर शेयर होल्डर्स हु आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो वो लोग का तुम पूरा टाइम तक मेंटेन करके रखोगे टिल द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज समथिंग जो 8 years तक कर सकते हैं। इनकम टैक्स में भी तुम लोग ने देखा रहेगा 4 years 6 years उसके बाद वो लोग नहीं खोल सकते। यहाँ पे 8 years के बाद अगर खोलना है तो प्रोविजन है, बट नॉर्मली 6 years के बाद खोलना है तो प्रोविजन है, बट नॉर्मली इट विल नेवर ओपन आफ्टर 8 years बिकॉज अनलेस आई हैव बीन टोल्ड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर 8 years आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इधर दे दो मैं कर दूंगी। दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स एंड पेपर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो तुमको मेंटेन करने है। इसका अलग अलग डेफिनेशन है जो यहाँ पे नीचे लिखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब पूछा नहीं है, बट डेफिनेशंस कभी कभी वो लोग का मूड होता है तो पूछ भी लेते हैं। सो ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, दीज आर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स एंड पेपर्स इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन। सो दिस इज द डेफिनेशन। इफ यू हैव टू, इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर यू कैन, बट नहीं भी अगर आता है और लिखने को बोला तो ये अपन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस वेर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे डिसाइड, इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाई डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स देख सकता है, लेकिन डायरेक्टर का चाचा है, कैन ही कम एंड सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? नो। सो द डायरेक्टर कैन सी बट द रिलेटिव कैन नॉट सी। येस्टरडे वी वर सॉल्विंग द एग्जाम क्वेश्चंस, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो मैंने बोला था ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का है, जहां पे लिखा था कि डायरेक्टर का रिलेटिव है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करना है, वेदर ही कैन डू दैट और ही कैन नॉट डू दैट। द आंसर इज ही कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स। सो चाचा जी आएंगे देन चाचा जी कैन नॉट सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, रिमेंबर दैट। 8 years तक रखना है। फेलियर टू कंप्लाई, अगेन देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरी लेस लाइकली टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। यस, देन पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज योर MD, होल टाइम डायरेक्टर, योर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड to do so by the board has to go and maintain the books of accounts. Now financial statements, yahan pe apne books of accounts and books and papers ka definition dekha. Financial statements ka jo definition hai is again is something that can be asked because the other provisions pertaining to financial statements are asked time and again, so that is something that may be asked. To financial statements mein balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, चेंज इन द इक्विटी इफ एप्लीकेबल, अगर कोई होता है तो,
an explanatory statement along with the financial statements which go. So all of this, your balance sheet, profit and loss account, cash flow statement, ये तो financial statement होते ही है, वो अपने को पता है. उसके साथ हमेशा notes होता है next to the financial statement. When you actually go and start doing audits in future, you will see that there are notes to financial statements. They are very very important. So that notes to financial statements is something that is considered to be financial statement under the Companies Act. And agar changes in equity hota hai during the year, even that is something which is considered to be a part of the financial statement. Aisa alag se bola hai, but that always forms part of your report which goes along with the financial statement. So alag se nahi dena padta hai. But for the purpose of definition, we will remember that changes in equity is also considered. Balance sheet, profit and cash flow तो खुद से लिख के आ सकते हो. दो चीज नया है, notes to financial statements and change in equity. Now these financial statement again true and fair view होना चाहिए, comply with accounting standards. अगर वो accounting standards से नहीं comply करता है, 133 में आते हैं accounting standards, then you cannot go ahead with those financial statements. Auditor कोई sign नहीं करेगा उसका. And of course, the company law will also not, like the MCA won't approve those accounts. And be in the form as provided in different classes of companies in Schedule 3. So, har ek ka alag se schedule diya rehta hai ki kaise isko present karna hai. You have to present it in that particular format. Ind AS kya hai, wo tum log sabko pata hai. Tum log already accounts mein pad chuke ho aur padhoge future mein bhi. So, that is Ind AS. So, क्या क्या याद रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. बिफोर वी गो देयर एक बार लास्ट पार्ट पढ़ लेते. एजीएम में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वील हैव टू शो इट टू द डायरेक्ट द शेयर होल्डर्स. द शेयर होल्डर्स विल अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट फाइल्ड विद द आरओसी एट द एंड ऑफ एवरी एनुअल जनरल मीटिंग. This particular clause on financial statement is extremely, extremely important from a practical perspective, from perspective of claiming exemption. If you are a Section 8 company, if you are OPC, if you are a private company, there are certain sections which are not applicable to you, which are applicable only to public companies. Say, for example, postal ballot kal pada tha. Postal ballot is not applicable to private companies. If they want to change anything in the memorandum articles, they don't have to do postal ballot. So, yahan pe koi bhi exemption if you have got as a private company, OPC, Section 8 company, then those exemptions you can claim only and only if we had, seen this, read this every time, that if you have filed the financial statements, if you have filed the annual returns. So, agar ye dono cheez nahin kiya, toh tum koi exemption claim nahin kar sakte ho. So, this is the financial statement. This is the section that we are talking about. Every time we talk there that if the non-compliance is there, you can't do it. In the last chapter, when we did share capital and debentures, wahan pe bhi jabhi buyback ka clause tha, toh wahan pe tha ki agar non-compliance hai in filing financial statements or annual return, you can't go ahead and do the buyback. So it is a very very important section from a practical perspective, because agar ye nahi hua hai to tum aage jaake kuch kar hi nahi sakte ho isme. To iske liye ye section bahut important hai. Kya kya apne ko yaad rakhna hai? What are financial statements, balance sheet, profit and loss account, cash flow, changes in equity and notes which are forming part to your reports. So these are all your financial statements. True and fair view hona chahiye, Ind AS ke hisab se hona chahiye. And these financial statements, sorry, ek point bhooli, as per Schedule 3 of the Companies Act, wo hona chahiye, jaisa wo specify kiya, depending on what kind of company you are. The schedules give you the draft for everything. Jaisa Schedule 1 mein tumhara memorandum articles hai, waise Schedule 3 mein tumhara balance sheets ka hai. To yahan pe jab bhi wo draft de raha hai, to wo uske hisab se hona chahiye, depending on whether your company limited by capital, limited by guarantee, small company, accordingly you have to follow the guidelines. Then the third part says that these financial statements have to be laid before the shareholders in every annual general meeting. Once they are approved by the shareholders in the annual general meeting, they are filed with the ROC and they become the final document which is available as public knowledge. And last part is about consolidated financial statement. Consolidated financial statement ke baare mein apan ne kya padha tha ki agar mere paas subsidiaries hai to main sabka consolidate karke ek proper picture dikhaunga ki mera as a group, as a whole, Reliance hai, uske alag alag companies hai, to Reliance as a whole, what is the status, what is the
फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटस ऑफ माई ग्रुप एज अ होल. तो मेरे सब्सिडरीज को भी कंसिडर करके आई विल प्रेजेंट द फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट्स कॉल्ड एज योर कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आई एम नॉट श्योर. आई डोंट थिंक यू स्टडीड इट दिस ईयर, यू स्टडी इट नेक्स्ट ईयर. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. सो उसको पढ़ेंगे, मस्त है. 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि कैसे उसको कंसोलिडेट होता है. नाउ सब्सिडरीज कैन बी इन इंडिया, इट कैन ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया. अगर आउटसाइड इंडिया है तो अपना ईयर है अप्रैल टू मार्च, खाली अपन ही ऐसा इनोवेटिव ईयर है. वो लोग का ईयर है जैन टू दिसंबर, जो सबका नॉर्मल ईयर कैलेंडर ईयर है. तो अगर ऐसा डिफरेंट ईयर्स होते हैं देन यू हैव टू कंसोलिडेट एंड देन द गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई सेइंग दैट यू कैन हैव अ ईयर विच इज फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर और जैन टू मार्च, ऐसा कुछ भी. तो वो तुमको एक स्पेसिफिक देंगे कि ऐसे तुम ईयर्स कर सकते हो, विच इज ऑल्सो वॉट वी स्टडी इन अर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. की अगर सब्सिडरी है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे करने हैं. उनका जो स्टेटमेंट्स है अगर वो यूएसडी में है तो यहाँ पे आके वो INR में डालना है. सो ऑल ऑफ दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, देन यू हैव टू गिव द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, यू जस्ट हैव टू राइट कि जो भी स्टेटमेंट है जो फॉर्मेट में है वो प्रेजेंट करना है एंड इट हैज टू बी लेड डाउन बिफोर द शेयर होल्डर्स इन द AGM. If financial statements do not comply with accounting standards, again something that you would have done there also in audit, कि अगर accounting standards से comply नहीं होता है, auditing standards का भी होता है कि अगर नहीं comply हो रहा है, if it is not complying with your accounting standards, then in that case you will also have to give your reasons for deviation as to why you are not complying with the accounting standards. In accounts theory also you would have studied. So ये सारे मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, because जेनरिक पॉइंट्स. कल उठ के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछा है एग्जाम में, मैं ब्लैंक हो गई, आई डोंट नो व्हाट टू राइट, तो मैं सोचूंगी कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है. तो कुछ नहीं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो तो आई कैन राइट. ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, अक्यूरेट होना चाहिए, इन डेज के हिसाब से होना चाहिए, डिविएशन है तो बताना चाहिए, होल्डिंग सब्सिडरी है तो कंसोलिडेट होना चाहिए. दीज आर पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी जेनरिक इन नेचर विच यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. एंड इसका सेक्शन नंबर अगर याद रहता है तो याद रख सकते हैं, क्योंकि हर जगह आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 129 एनुअल रिटर्न 92. तो अपने को याद अगर रह सकता है तो याद रखने का ना. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक कंपनीज. जो सारी स्पेसिफिक कंपनीज है, जैसे कंपनीज एक्ट अपन ने स्टार्ट किया था तभी अपन ने देखा था कि कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल है. सिमिलरली दिस provision pertaining to financial statement is not applicable to specific companies because these specific companies have specific laws governing them. Exemption CFS से तब मिलता है जब ही मैंने already, suppose मैं holding company और मेरी 10 subsidiary है, उसमें से एक subsidiary ने consolidated financial statement बनाया, then again I as a holding company don't have to re-prepare the financial statement. Those are made, then I don't have to make CFS. So CFS से तब exemption मिलता है when someone in the group has already made the financial statements. If a company's securities are not listed or not in the process of listing, अगर listed company नहीं है तो नहीं करना है. एंड इट्स अल्टीमेट, और ये अपन ने पढ़ा है. यस, नाउ पेनल्टी किसको किसको लगेगा? MD, होल टाइम डायरेक्टर, CFO, एनी अदर पर्सन, मेंशनड ऑफिसर्स को ये पेनल्टी लगेगा. अगर ये लोग नहीं है, अगर इसमें से कोई नहीं है तो ऑल डायरेक्टर्स को पेनल्टी लगेगा. अगेन दिस इज इसका जो पेनल्टी प्रोविजन है ये पूछा है. नॉर्मली आई टेल यू दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर. 447 याद रखना है, एक पेनल्टी प्रोविजन पूछ सकते हैं. सेकेंड पेनल्टी प्रोविजन ये वाला पूछा है एग्जाम में कि हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हु आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड वॉट इज द पीनल प्रोविजन इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 इज नॉट कम्प्लाइड विद? सो इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन ओनली. एंड थर्ड पेनल्टी मेरे को किसका याद रखना था? CSR का. CSR का पेनल्टी याद रख के जाना, बिकॉज CSR इज अगेन समथिंग जो पूछा है. तो ये तीन पेनल्टी आई विल टेल यू सामने से कि भाई याद रख के जाना, बिकॉज पूछ सकता है, पूछेगा तो आना चाहिए. बाकी के जो पीनल है याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो फिर अपने हिसाब से कुछ लिख के आना. देन पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट्स कभी कभी कोई क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज को बोलता है कि पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट देना है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड यू विल हैव टू गिव मी अ फाइनेंशियल रिजल्ट. तो जो ईयरली तुम फाइल करते हो वो नहीं, उसके अलावा पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट देना है. तो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ कंपनी जिसको बोला गया है कि पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट देना है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू सबमिट योर फाइनेंशियल रिजल्ट. आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर, वन सेकेंड. नीचे ही नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पे बैठना आज. तो इन सच केसेस व्हाट डू यू हैव टू डू, प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब ऑडिटर भी सर्टिफाई करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सर्टिफाई करेंगे, एंड फाइल अ कॉपी विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. सो हियर इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर, प्रिपेयर, यहाँ पे लिख दो अप्रूव बाय, ये तुम्हारे बुक में भी सेम पॉइंट्स होगा इफ यू डोंट हैव द चार्ट बुक, अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस ऑडिट, लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं, एंड थर्ड इज फाइल विथ आरओसी 30 डेज. ठीक है, सो इन दिस केस यू विल हैव टू फाइल योर पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द आरओसी अगर यू आर अ क्लास ऑफ कंपनी जिसको बोला गया है. रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर केस स्टडीज बहुत बार पूछा है. एंड वॉलंटरी रिविजन ऑल्सो आस्ट, बट ये वाला पार्ट ज्यादा पूछा है ऑन रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स. एक्चुअली इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स है जो पूछे. ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन किसको साइन करना है, आस्ट इन एग्जाम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछ सकते हैं लेकिन चांसेस कम है, बट डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आस्ट एस थियोरी लिख के रखो सब, क्योंकि ये लाइन में ही ऐसा पूछा है. तो ये थियोरी के जैसे पूछा है इन द एग्जामिनेशन. सीएसआर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इसके ऊपर थियोरी क्वेश्चन वेरी अनलाइकली. दे विल आस्क यू अ केस स्टडी ओनली ऑन सीएसआर. अगेन व्हाट इज नॉट सीएसआर, एक्चुअली इसमें सी एस आर में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है. वॉट इज नॉट अ सी एस आर ऑल्सो कैन बी आस्क, हाउ मच अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड एंड ऑल ऑफ दैट इज अगेन समथिंग दैट दे विल आस्क. ड्यूटीज ऑफ सी एस आर कमिटी और ये लेस लाइकली लिख के रखो, ना बोल रहे हो पूछ लिया तो तुम लोग मेरे को गाली दोगे. लेस लाइकली. कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन आस्क. Circumstances, ये ठीक है. Circulation already है. AGM, ये adopted unadopted case studies के ऊपर पूछा है. कल अपन ने discuss किया था class में adopted unadopted वाला. XBRL format case study, वो लोग अलग अलग, जैसे यहाँ पे turnover और paid up capital दिया है, they will give you the paid up capital, turnover and please mention if you are required to file the स्टेटमेंट. तो यू हैव टू से दीज आर द कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल. पहले लॉ देंगे, देन वी विल से दैट दिस कंपनी का टर्न ओवर से 4 करोड़, तो लेस है, डजेंट फॉल इन द क्राइटेरिया, देन नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड. वैसा तो वो केस स्टडी में ये दो पॉइंट्स देंगे, इसके ऊपर से डिसाइड करना अपने को. बट याद रखना लिस्टेड कंपनी होना चाहिए. एंड इंटरनल ऑडिट पूछा है, आई विल नॉट से नॉट आस्क, इट्स आस्क्ड वंस और ट्वाइस, बट दिस यू ऑल्सो स्टडी इन ऑडिट. सो अगर पूछा भी तो इट्स ओके बिकॉज यू विल रिमेंबर इट. या सो इफ यू सी लॉट ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड सब कुछ कभी ना कभी पूछ ही लिया है वो लोग ने. ऐसा बहुत कम चीज है जो नहीं पूछा है वो लोग ने. सो इसके लिए चार्ट बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चार्ट बुक से इसका क्विक रिविजन होगा, अदरवाइज इट्स क्वाइट अ लेंदी चैप्टर. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स. मैंने तुमको क्या बोला कि अगर रीओपन करना है तो जैसे तुम लोग ने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा कि 6 साल तक कर देना है, तो 8 ईयर्स के बाद अगर बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स संभाल के रखो, खोलने वाले अकाउंट्स या यू नो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स आर गोइंग एंड यू कीप द अकाउंट, देन इट इज फाइन. बट वंस 8 ईयर्स हैव लैप्स्ड तो उसके बाद नॉर्मली रीओपनिंग नहीं होता है, बिकॉज पीपल कैन डिस्कार्ड देयर फाइनेंशियल अकाउंट्स. तो यहाँ पे
एप्लीकेशन होता है कभी कभी, ये दो टाइप के रीओपनिंग होता है. एक होता है जब मैं खुद से, मेरे को एनलाइटमेंट होता है कि भाई मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, एंड देन आई डिसाइड चलो आई वॉन्ट टू रीओपन माई अकाउंट्स, आई वॉन्ट टू रेक्टिफाई माई अकाउंट्स. दैट इज दिस वॉलंटरी. ये वाला जो रीओपनिंग है मुझे पता है शायद, या मुझे शायद नहीं पता है, मैं गपचुप बैठी है, लेकिन देर आर पीपल जो मेरे पीछे पड़े एंड दे हैव मेड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेइंग दैट इसका जो अकाउंट है वो रीओपन होना ही चाहिए. हु आर दीज पीपल? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स, एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी और एनी अदर पर्सन. इफ दीज आर द पीपल हु मेक एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट सेइंग कि इसका ये साल का अकाउंट्स रीओपन होना ही चाहिए बिकॉज आई हैव सम नॉलेज कि इसका ये जो भी है इसके ऊपर पेनल्टी बड़ा लग सकता है, या इसका ये नॉन कंप्लायंस है, या ये इनकम उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, या ये वाले एक्सपेंसेस ओवरस्टेट कर दिए, एनीथिंग लाइक दैट, देन इन दैट केस द कोर्ट और ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट द अर्लियर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वे मिसमैनेज इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट फॉर दीज टू थिंग्स, देन द नोटिस विल बी सर्व टू एप्लीकेशन. दोनों जन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो बोलेगा क्यों खुलना चाहिए, मैं बोलेगी क्यों नहीं खुलना चाहिए मेरा अकाउंट्स, एंड देन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज पास एन ऑर्डर एंड सच रिवाइज और रिकास्टेड अकाउंट शैल बी फाइनल. तो अगर उसने बोला कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलना चाहिए, देन आई विल हैव टू रिवाइज माई अकाउंट्स, आई हैव टू रिकास्ट माई अकाउंट्स, एंड वट एवर रिवाइज अकाउंट्स आर देयर विल बी द अकाउंट्स विच विल बी द फाइनल अकाउंट्स. तो अगर मैंने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया सपोज फॉर फाइनेंशियल ईयर 12-13, नाउ अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही सेड दैट दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड बी देयर, बहुत झगड़ा करने के बाद रिप्रेजेंटेशन किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड, ही सेड दैट नो दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड टू बी माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 12-13. सो अकॉर्डिंगली मेरे आगे के साल अकॉर्डिंगली मेरा जो भी है वो इसके हिसाब से ही होगा. ठीक है, सो रिवाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय समवन मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल. हु इज दिस समवन? इनकम टैक्स, सेबी, या इन सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन. कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकता है या एनी अदर पर्सन. तुम भी जाके बोलेगा मेरे को इस केस में ऐसा ऐसा मालूम है, गफला है, तो दैट कैन ऑल्सो हैपन. सो दीज आर द पीपल who can make an application to the court saying that why it has to be given. You have to give justification, then the court bases the justification given. अगर उसको लगता है कि हाँ ये reopen होना चाहिए तो वो मेरे को notice भेजेगा कि क्यों reopen नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा notice आया, I will put forth my case, you will hear both the parties and then decide whether the accounts has to be reopened or it does not have to be reopened. अगर reopen किया तो जो revised accounts है will be the final accounts for that financial year. Now, अगर एक second ना, sorry, 1 minute. नाउ सेकेंड ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि जहां पे पीपल हैव नॉट मेड एन एप्लीकेशन. जो मेड एन एप्लीकेशन वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत बार पूछा है एग्जाम में. नॉट मेड एन एप्लीकेशन, मुझे खुद से ही लगा कि मेरे अकाउंट्स में कुछ तो इश्यू है. और आई फेल द नीड टू रिवाइज माई अकाउंट्स. Then in that case, what I'll do is I will voluntarily go for revision of financial statements. अगर बोर्ड को लगता है कि ये कुछ कंप्लायंस में नहीं है, या डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोई डायरेक्टर स्पेसिफिक है जिसको लग रहा है, एंड उसने बोर्ड को कन्विंस किया दैट वी हैव टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज अगर अपन ने रिवाइज नहीं किया है, देन इन दैट केस वॉट विल हैपन इज दैट
फ्यूचर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट विल कम एंड दे विल आस्क अस टू रिवाइज. एंड ऑफ कोर्स इसमें कैसा होता है, रिविजन होता है तो उसके साथ अगर टैक्स भरने का है तो उसके साथ इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ लगता है. सो हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देमसेल्फ फील दैट आई वांट टू रिवाइज, इन दैट केस दे कैन अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिविजन टू द कोर्ट. कोर्ट विल अलाउ यू टू आफ्टर हियरिंग योर केस डिसाइड वेदर इट हैज टू बी डन और नॉट, प्रिपेयर रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिवाइज रिपोर्ट फॉर एनी थ्री प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. मतलब ऐसा पूरा तो बैठ के सब नहीं खोल सकता है, एनी थ्री प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. एंड दिस कॉपी ऑफ ऑर्डर रिवाइज रिपोर्ट हैज टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर. यहाँ पे भी जो रिवाइज रिपोर्ट मिलता है दिस इज ऑल्सो टू बी फाइल्ड विद रजिस्टर. यहाँ पे भी जो मेरे फाइनल बनेंगे दैट आई विल हैव टू गिव इट टू द आरओसी, बट दिस इज व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड. तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है, खुद से करेंगे वो सब अपन लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में. एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट दिस रिविजन कैन बी फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. ओके, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल एंड फ्रीक्वेंटली आस्क, कौन साइन करेगा, साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, चेयरपर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड और टू डायरेक्टर्स, वन शैल बी एमडी इफ एनी, आई हैव सीईओ CFO, कंपनी सेक्रेटरी. अगर वन पर्सन कंपनी है तो सिर्फ डायरेक्टर साइन करेगा. सो दीज आर द पीपल हु विल साइन. बेसिकली हुएवर इज योर की मैनेजरियल पर्सनल कैन साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगेन वेरी सिंपल, इजी टू आंसर. नाउ बोर्ड्स रिपोर्ट. बोर्ड्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दिस इज इफ दिस विल बी आस्ड, इट विल बी आस्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन. बट इसमें जो बोर्ड्स रिपोर्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन अनलाइकली है, दे विल आस्क यू अबाउट द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. सो दैट वील रीड इट इन डिटेल टूडे. बोर्ड रिपोर्ट जो है इसमें बोर्ड ने जो भी, बोर्ड विल नो द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी. तो वेन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वेन यू आर गिविंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिटर इज गिविंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट. एट दैट सेम टाइम फॉर द फाइनेंशियल ईयर दैट इज गॉन बाय यू विल सबमिट द बोर्ड्स रिपोर्ट एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिकॉज इंटरनल है, ऑडिटर है एक्सटर्नल है, तो आई विल सबमिट माई रिपोर्ट. इसमें एवरीथिंग दैट इज हैपेंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विल बी गिवन. क्या क्या आएगा देखो, वेब एड्रेस इफ एनी, वे दी एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड, कितना मीटिंग्स हुआ है बोर्ड का, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो ये है, डिटेल्स ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर्स. तो ऑडिटर्स ने अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई किया और रिपोर्ट किया है, तो डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि भाई मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, मेरे पर फ्री कंसेंट, आई डोंट हैव एनी यू नो व्हाट डू यू कॉल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Then company's policy on directors' appointment and remuneration, how directors are appointed and how the remuneration is paid. Comments by board on remarks made by the auditor and CS. तो अगर auditor ने कोई negative comment दिया है, तो अगर मुझे उसके ऊपर comment मुझे मिला है, तो then what is my view? तो मेरा जो chance है कि क्यों ऐसा हुआ है, that I can go and say. Particulars of loans, guarantees or investment. Particulars of contracts with related parties, state of company affairs, amount of carrying reserves or paid by way of dividend, material changes affecting the financial position of the company, conservation of electricity, energy, technology, absorption foreign exchange, development and implementation of risk management, CSR policy and initiatives, other matters as may be specified. Who has to give listed company shall contain statement indicating the manner in which the annual evaluation of the board, committee and individual directors has been made. So every year agar board of directors ko hum hike dete hai, to board report ye bhi batayega ki kya basis pe maine hike diya, aise maine uska increase salary kar diya taki company can claim expense, nahi. So I will give my justification. Why is all of this required in the first place? Because shareholders are different, board of directors are different. तो यहाँ पे board of directors अपना information दे रहे justify करने के लिए कि भाई मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ. Many of the things if you see here are your chapters only. Dividend है, related parties है, फिर audit report है, वो तुम लोग कर सकते हो, meetings यहाँ पे है, annual return यहाँ पे है. तो अगर suppose ये exam company, sorry
क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया तो दीज आर द थिंग्स यू विच यू कैन सिट कि अच्छा कौन से चैप्टर्स हैं और उसके बेसिस पे तुम लिख के आ सकते हो एंड दैट विल हेल्प यू गेट योर मार्क्स. ओके सो इवन इफ यू जस्ट सिट एंड रिमेंबर एंड देन अ फ्यू थिंग्स आर डिफरेंट गारंटीज लोन्स अगेन समथिंग यू कैन राइट एंड में क्लिक के आने का अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. सो दीज आर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड इन योर चैप्टर विच यू ऑलरेडी डन बिकॉज एंड ऑफ इट इट्स ऑल कंपनीज एक्ट. सो यू कैन सिट एंड राइट दोज. नाउ कमिंग टू द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, वो एक बार पढ़ लो क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में, कल अपन ने देखा था इसका क्वेश्चन था इन द पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departure. So यहाँ पे क्लिक के रखेंगे AS followed, ठीक है. Then second क्या बोलता है, director selected such accounting policies, applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give true and fair view of the state of affairs of the company. सो राइट डाउन उसके बाजू में AS अप्लाइड कंसिस्टेंटली अकाउंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है. सो दीज आर स्मॉल पॉइंट्स विच यू कैन जस्ट यू लाइक यूज टू रिमेंबर योर थिंग्स. देन द डायरेक्टर्स हैव टेकन सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनिंग एडिक्वेट accounting records in accordance with the provision of the act, safeguarding the assets of the company, preventing detecting fraud. Preventing and detecting fraud. Then, prepared annual accounts on a going concern basis. In case of listed company, the going concern basis yahan pe add kar do. Then, directors had laid down the financial controls to be followed by the company and such internal financial controls are adequate and were operating effectively. What are your internal financial controls? Means policies and procedures adopted by the company for ensuring orderly and efficient conduct of the business, adherence to company policy, safeguarding the assets, preventing frauds, accuracy and completeness of your accounting records. So again, this is something which you can write on your own. क्या क्या आपने को यहाँ पे याद रखना है? First year accounting standards follow की है, going concern basis पे की है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो किए हैं. डिविएशन अगर है तो बताया है. इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन सच अ वे कि अगर कोई फ्रॉड है तो वो प्रिवेंट होएगा, डिटेक्ट होएगा. एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए सो दैट कोई फ्रॉड या कोई जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा एंड इट विल नथिंग विल गो रॉन्ग इन योर अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड. सो दीज आर द थिंग्स विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. अगेन जो पॉइंटर्स है वो याद रखो, आगे पीछे का मसाला यू विल बी एबल टू राइट ऑन योर ओन, ठीक है. नाउ कमिंग टू CSR इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आना ही है. तो जब भी मैं कंपनी बड़ी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, जब भी मेरा नेटवर्थ इज मोर देन 500 crores, टर्नओवर इज मोर देन 1000 crores और माई नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज मोर देन 5 crores, तो अगर मैं ऐसी बड़ी कंपनी हूँ जिसमें जिसका ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, देन इन दैट केस आई विल बिकम अ कंपनी हु हैज टू फॉलो विद द CSR regulations. Now CSR regulations, I said, is very jabra regulations. What is jabra? Shana regulations. क्या शाना है कि अगर एक साल में भी मेरा सपोज नेट प्रॉफिट 5 crore के ऊपर गया तो मुझे CSR एप्लीकेबल हो गया. अभी नेक्स्ट ईयर मेरा 5 crore के नीचे है तो CSR से निकल गई, नहीं निकली. मेरे को 3 years के लिए वो प्रॉफिट 5 crore के ऊपर रहेगा, 5 crore के नीचे रहेगा, देन आई विल गो आउट ऑफ CSR regulations. बट एक बार 5 के ऊपर गया तो CSR मेरे को लग गया, तो CSR मुझे करना ही पड़ेगा. बट बाहर निकलने के लिए 3 years. सो एंट्री के लिए 1 year, एग्जिट के लिए मुझे 3 years तक रुकना पड़ेगा. 3 years तक कंसिस्टेंटली ये तीनों भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहा है तो आई विल स्टॉप डूइंग CSR फ्रॉम द 4th year. बट फॉर दैट 3 years आई विल हैव टू डू CSR. ओके सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ
सीएसआर होता है तो कितना है, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द प्रिसीडिंग 3 इयर्स. अगर 3 इयर्स नहीं हुए तो जितने भी इयर्स है उसका 2% का एवरेज नेट प्रॉफिट है. एवरेज नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 के हिसाब से कैलकुलेट करने का है, जिसके अंदर अपने को कोई भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है. सो दे विल गिव यू द एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड दैट यू हैव टू डू. सो दैट 198 इज नॉट देयर कि कहाँ से कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ सी एस आर एक्टिविटीज, आई सेड देर इज अ लिस्ट ऑफ सी एस आर एक्टिविटीज विच वी डोंट हैव टू रिमेंबर विच इज नेवर आस्क्ड. वो शेड्यूल दिया है कि सी एस आर एक्टिविटीज क्या है, वी डोंट हैव टू रिमेंबर वॉट आर द सी एस आर एक्टिविटीज. बट जस्ट याद रखो कि जो भी एक्टिविटी देख के तुमको दया आ जाएगी वो सब सी एस आर एक्टिविटीज है. तो जहां पे लगेगा अच्छा इसको डोनेशन दे सकते हैं, दे आर ऑल सी एस आर एक्टिविटीज. सो वॉट आर सी एस आर एक्टिविटीज, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट रेलिवेंट, नेवर आस्क्ड. What is not CSR activity is very important, which can be asked, which is we are studying here, that activity undertaken in pursuance of normal course of business. तो अगर मैं normal course of business में कुछ कर रही हूँ, अगर मेरा काम ही है वैक्सीन बनाने का, तो that is something which is normal course of business. अगर मेरा काम ही है किसी को पढ़ाना, तो वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है. सो इफ आई एम डूइंग समथिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देन आई कांट से कि मैं सी एस आर करूँ, भले लोगों का अच्छा हो रहा है. अगर मेरा काम रोड बनाने का है तो भले अच्छा है, रोड डेवलपमेंट हो रहा है, बट माई वर्क इज ओनली टू मेक रोड. सो आई कैन नॉट से कि ये सी एस आर में मैंने पैसा डाल दिया, वैसा नहीं होगा. सो वट एवर इज माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट सी एस आर. एनी एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सनल इन इंडिया और एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. तो अगर इंडिया में इतना गरीब है, इंडिया में इतना पैसे का जरूरत है, लेकिन तू बाहर जाके, इंडिया के बाहर जाके यू आर डूइंग सी एस आर एक्टिविटीज, तो एक्ट बोलता है मैं तेरे को डिडक्शन नहीं देगा, क्योंकि पहले अपने को घर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का, फिर दूसरों का बाहर सॉल्व करने का. सो फर्स्ट यू सॉल्व द इश्यूज इन इंडिया ओनली. सो इफ यू आर स्पेंडिंग मनी आउटसाइड इंडिया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड. सो फर्स्ट इज वॉट, activities in the normal course of business. Second is activities which are done outside of India. Uske liye CSR deduction nahi milta hai. Contribution directly or indirectly to political party. Koi bhi de de, khushi se de, jor zabardasti se de, diya to diya, lekin deduction nahi milega kyunki wo CSR nahi hai. Then, activity benefiting the employees of the company. जब भी रिलायंस ने उनका प्लांट खोला था जामनगर में, सो दे डिड अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन जामनगर बाई डूइंग हैविंग रोड्स एंड यू नो डेवलपिंग स्कूल सो दैट उनके एम्प्लॉयज के बच्चे वहां पे जा सकते हैं. एंड लॉट ऑफ ग्रोथ हैड हैपेंड इन द नियर बाई एरियाज एंड विच हैपन्स. बड़ी बड़ी कंपनी जब जाती है तो वो लोग पूरा एरिया डेवलप करते हैं. तो अभी अगर मेरा एम्प्लॉय चल के आ रहा है, मेरा सीईओ कार में आ रहा है, लेकिन बहुत खड्डे रोड पे है, एंड फॉर दैट इफ आई एम इम्प्रूविंग द रोड्स दैट आर देयर, देन इज इट सी एस आर? नो, बिकॉज एम आई डूइंग फॉर द पब्लिक एट लार्ज? पूरे गाँव का मैंने रोड्स डेवलप किया, then yes CSR, but only the road that's coming to my company ka whatever is in my company's way, then that is not CSR, because that I am doing it for the benefit of my employees. So if anything I am doing it for the benefit of my employees, that is staff welfare, that is not CSR. Then activity supported by company on sponsorship basis for deriving benefits for its product or service. अगर मैराथन हो रहा है, मैं सबको फ्री में बांट रही हूँ, वो रेडबुल वाला बांटता है सब लोग को, ऐसा कोई चीज मैं फ्री में बांट रही हूँ, तो उससे सी एस आर नहीं हो सकता है कि चलो वो लोग इतना भाग के आए थे 42 किलोमीटर, सो आई थॉट दे नीड एनर्जी, सो आई गिव देम रेडबुल. सी एस आर नहीं, दैट इज नॉट सी एस आर. यू आर डूइंग इट फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग, फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स, एंड हेंस दैट इज समथिंग विच इज नॉट सी एस आर. And activities carried out to fulfill any statutory obligation. I have to deduct PF from my employee salary, and that same amount I have to give from my pocket also for the employee, and wo PF account mein jayega unke liye. So that is my additional amount which I am paying them as salary, kyunki wo usi ka paisa hai, khali PF authority ke paas pada hai. So that is something which is a regulatory authority ka requirement, and hence that is something, even though I am giving it out of my own pocket, it is not something which will qualify as CSR. That is something which is a regulatory
रिक्वायरमेंट. सो वॉट आर द थिंग्स विच आर नॉट सी एस आर, अगेन एक बार देख लो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर करते. ये ना COVID-19 का था कि अगर COVID-19 के लिए तुमने ये 3 साल हेल्प किया है, रिसर्च किया है, तो वो सी एस आर काउंट होगा. बट अभी हो गया, वो सब निकल गया, तो अपने को उसका क्वेश्चन आने का अनलाइकली अभी. सो एनीथिंग डन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एनीथिंग यू डू आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सनल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड. ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सनल विल बी कंसिडर्ड सी एस आर. एनी अदर थिंग डन आउटसाइड इंडिया नॉट सी एस आर. फॉर द बेनिफिट ऑफ माई एम्प्लॉयज इफ आई डू एनीथिंग not CSR. For the purpose of deriving any marketing benefits, again not CSR. For doing anything which is required by any statutory regulation, not CSR. And political party ko agar kuch paisa deti ho, to of course that is not CSR. So these are the things which are not considered to be CSR. Question, case study, normal bhi ye pooch sakte as a theory question, but case study aaya hai एक ये पॉइंट पे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे है. एंड एम्प्लॉयज का जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो दीज आर द थिंग्स लाइक दे विल आस्क एज अ केस स्टडी क्वेश्चन दैट दे सेट अप इन दिस विलेज एंड देन दे सॉ दैट द रोड वाज वेरी बैड. सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय दे डेवलप द एंटायर रोड एंड क्लेम दैट एंटायर एक्सपेंस एज अ सी एस आर एक्सपेंडिचर. And the CA said that it is not correct. As CA, what would you advise? ऐसे करके question पूछेगा. So ये employees का जो है उसके ऊपर बहुत बार पूछा है. ठीक है. Now coming to amount to be contributed, अपन ने की है. Now अगर amount to be payable towards CSR, मतलब मेरा ये जो 2% of average net profit है, if this 2% of average net profit is more than 50 lakhs, अगर वो मोर देन 50 lakhs है, देन आई हैव टू हैव अ सी एस आर कमिटी. इफ इट इज लेस देन 50 lakhs, देन आई डोंट नीड अ सी एस आर कमिटी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे जो है 2 directors इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड फॉरेन कंपनी में 1 nominated person प्लस 1 independent person, दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सी एस आर एक्टिविटीज. बट अगर सी एस आर कमिटी चाहिए तो मुझे सी एस आर कमिटी बनाना पड़ेगा. 3 directors, one of which has to be independent. If independent directors are not there, 2 or more directors required, which I always thought when I was working and CSR था, तो मेरी वो previous company में मुझे हमेशा लगता था कि हाँ ठीक है ना, अभी 3 independent directors, who is going to come and see? But actually there was someone who had come to check कि ऐसा 3 independent directors का, अरे सॉरी 3 directors का कमिटी फॉर्म्ड है कि नहीं. सो देयर हैज टू बी अ रेजोल्यूशन एंड ऑल ऑफ दैट पास फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो 50 लाख के ऊपर सीएसआर स्पेंड है तो कमिटी लगेगा, अगर नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 directors करेंगे. सीएसआर कमिटी है तो यू नीड टू हैव 3 directors, उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है देन 2 or more directors कैन बी योर सीएसआर कमिटी. ओके. सीएसआर कमिटी अगर जो फॉर्म होता है तो उसका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नाउ अगर मेरे को सीएसआर एप्लीकेबल हो गया, सपोज एवरी ईयर मेरे को 5 लाख रुपए देने के है एज सीएसआर एक्सपेंडिचर. नाउ दैट 5 लाख्स, वेयर डू आई गो एंड इन्वेस्ट? मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है बट वेयर विल आई गो एंड इन्वेस्ट? देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल कम अप विद डिफरेंट प्लान सेइंग कि ये थोड़ा पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं, थोड़ा इसमें डाल सकते हैं, एंड दे विल कम अप विद दैट प्लान एंड आई विल इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली एज अ कंपनी. व्हेन सीएसआर कमिटी इज देयर, देन सीएसआर कमिटी विल गिव द 3 directors है सीएसआर कमिटी में. सो दीज 3 directors विल कम टूगेदर, दे विल कम विद अ प्लान सेइंग दैट ओके वी कैन इन्वेस्ट इन दीज प्रोजेक्ट, दीज सीम टू बी जेन्युइन, बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो सी वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट. एंड then they will say, they will give the options, board of directors will see कौन सा अच्छा लग रहा है एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे where they have to put the money. Now once they start putting the money, they will also check कि अच्छा 2% जो है exact deploy हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कहाँ पे कितना दिया है, at what time intervals do you need to give, how are they going to use that money and see that whether they are using that money properly or not. All of that work is of the CSR committee. So, CSR committee बैठ के ये सब देखेगा कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है. जो CSR committee और उसकी जो team form होगी, that जो उनको cost incur होता है for CSR cannot be 5% से ज्यादा. The administrative overhead cost cannot be more than 5% of the CSR expenditure.
so that I can give it to employees who are sitting and doing all the CSR work. Now, sometimes I will spend CSR on expenditures जो अप्रैल में खर्चा किया, मार्च तक उसका मेरा CSR खत्म हो गया. But sometimes I will put my CSR money on say building a hospital. Now hospital बनाना जरूरी है वन साल में up and running हो गया, correct? I will have hospital, I'll have to hire people, I'll have to see the processes are done properly, I'll have to get the machineries in place, जो भी तेरा X-ray ये वो जो भी machines है वो सब I'll have to get in place. So it will become a ongoing project. So I will not deposit or spend the entire CSR in that particular year only. So that becomes an ongoing project. But there are some projects, say for example, I have some less requirements, say 1 lakh rupees karna hai, to maine koi underprivileged ko kar rahe, maine unko jaake paise de diya and I told them do this and I keep monitoring that. That is a finished project. Ongoing project jo chalta rahega for 1 year, 2 years, 3 years, waisa chalta rahega, that's called an ongoing project. So now, इसमें दो चीजें कि अगर मुझे खर्चा करना है तो तीन चीजें एक्चुअली. फर्स्ट सिनेरियो इज दैट आई हैव स्पेंट मोर देन व्हाट आई वाज रिक्वायर्ड टू स्पेंड. टाटा बेस्ट एग्जांपल, वो लोग हमेशा ऐसा करते हैं. तो वो लोग का अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई तेरे को 2 crore CSR में डालना है, एंड ऑफ द ईयर ही विल स्पेंड 5 crore, बट दैट इज what they are, correct? Infosys, they are people who will spend more on philanthropy. So, agar usne excess spend kiya hai, earlier there was no requirement, no provision which allowed that excess expenditure to be carried forward as CSR. Bolta tha tune kya tera problem, matlab main kya kar sakta hai. But now the law has changed and it says that if you have spent more than what you are required to spend, to agar 2 crore karna tha 5 crore kiya hai, to that 3 crore will be carried forward to the next year. To next year tera 2 crore wapas aa raha hai, then that 2 crores will be adjusted there and then again 1 crore will go to the next year. So aise carry forward hoga for 3 financial years अगर एक्सेस में स्पेंड किया है. सेकेंड सिनेरियो है, मैं बैठ के प्रोकेस्टिनेट करती रही कहाँ खर्चा करूँ कहाँ करूँ, और ऐसे ऐसे मार्च आ गया, अप्रैल आ गया एंड आई कुड नॉट स्पेंड द अमाउंट बिकॉज आई कुडंट फाइंड सम प्लेस जो परफेक्ट थी जहाँ पे मैं मेरा CSR एक्सपेंडिचर डाल सकूँ. सो इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग देन पैसा तो एंड ऑफ द डे तेरा नहीं है. जैसे डिविडेंड था, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, देन नॉट योर मनी. जैसे तेरा डिबेंचर रिडेम्पशन है, डिपॉजिट रीपेमेंट है, प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन है, दीज आर नॉट योर मनी. सो इफ यू हैव नॉट फाउंड द पर्सन टू हुम यू हैव टू गिव द मनी, यू गिव इट टू सम फंड. सेम यहाँ पे है, ट्रांसफर अनस्पेंट अमाउंट. इफ इट इज नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, आई कुडंट स्पेंड ओनली दैट अमाउंट, आई हैड टू स्पेंड 2 lakh rupees, बट मैं मान 50,000 किया, उससे आगे मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं पैसा दूं. तो बोला ऐसा नहीं, 1,50,000 यू गिव इट टू द फंड within 6 months of the expiry of the financial year. So by 30th of September, teko wo fund mein dalne ka hai, if it is not an ongoing project. But if it is an ongoing project, matlab, I have to spend 5 crores, I know I have to spend 5 crores, I am building a hospital which will need more than 5 crores, I spent 2 crores this year because that is what the requirement was, ki road bana rahe hai, building bana rahe, sab mila ke 2 crores maine spend kiya hai, 3 crores are pending. Am I not going to spend? Of course I am going to spend. I have a plan to spend it, but this year I won't be able to spend. I'll spend it in the next year. So he says, okay, I understand. Good intention hai tera. No problem, but tujhe pata bhi hai that this is going to go in the next year. So within 30 days from the end of the financial year, by 30th of April, you will have to transfer the money to unspent CSR account. Tu tera unspent CSR account rakh, saying that this is CSR money which I have to use. You transfer the funds there and then go ahead. This is basically to ensure ki jo CSR amount hai, wo tumhara nahi hai, to wo fund tumhare company se bahar nikal jaye and it is going to a safe location so that in the future you can comply with those regulations. Okay, so very very important, iske upar question aa sakta hai. We have to see 3 scenarios. One is 2 crore spend karna tha, bhul se 5 crore spend ho gaya, bahut paisa hai mere paas. Then in that case it will carry forward to the next year, maximum 3 years tak carry forward ho sakta hai. Second scenario,
आई वॉन्टेड टू स्पेंड, लेकिन चिंगू हो ही नहीं सकता मेरे से. 2 लाख रुपए बाबा, इतना देने का डोनेशन आई कांट गिव. धीरे धीरे करके 50 दिया, 150 रह गया. आई थॉट चल ठीक है 150 खा जाती. ही सेड नो खाने का. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव दिस अमाउंट ऑफ 1,50,000 टू अ फंड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. सो बाय 30th of September आई विल हैव टू गो एंड डिपॉजिट दैट मनी इन दैट फंड, बिकॉज वो मेरा पैसा नहीं है. थर्ड, I have very big plans. Must hospital building banana hai. It's an ongoing project. And if it is an ongoing project, I know I'm going to spend that 3 CR next year. And in that case, what I will do is I will have an unspent CSR account. And within 30 days from end of financial year, I will transfer the funds to the unspent CSR account. Okay, is everyone clear with this? Any doubts here? This unspent CSR account money has to be utilized within a period of 3 years. Sorry, 3 years से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते. अगर रखा तो उसके ऊपर जो भी पैसा है वो जो नहीं स्पेंड हुआ, that has to be transferred to fund within 30 days of the completion of the third financial year. तो end of the day वो भी fund में ही जाएगा. ठीक है. One more thing which I wanted to say was this. Yes, this point, which is again, you can, you should know, details for impact assessment. So what is it saying that, agar mera CSR expenditure, jaise yahan pe maine bola CSR expenditure is more than 50 lakhs, correct, in a year, to CSR committee is required. But if my CSR expenditure, okay, 2% of average net profits comes to 10 CR और मोर, मतलब मेरा CSR का 2% ही 10 करोड़ के ऊपर है, मतलब आई एम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट. 10 CR इज ह्यूज सम. सो इफ आई एम स्पेंडिंग दैट 10 CR ऑन CSR, देन फॉर दैट 10 CR दैट आई एम स्पेंडिंग एज अ कंपनी, I will do a impact assessment. What is impact assessment? That I will see that how my funds which have been spent, how has that impacted the society as a whole. तो अगर टाटा ने वो जो उनका कैंसर का ये खोल के रखा है हॉस्पिटल, 10 CR से ज्यादा है मेरा, 10 CR के ऊपर है, तो मैंने हॉस्पिटल खोल के रखा है. एंड ऑफ द डे अगर इम्पैक्ट असेसमेंट हो रहा है तो बॉस जितने कैंसर पेशेंट्स है सबको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है, इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट, करेक्ट. सो दैट इज वॉट आई विल स्टडी इन द इम्पैक्ट असेसमेंट, दैट हाउ हैज इट चेंज. अगर मैंने जो भी विलेज में रह रही हूँ, मैंने वहां के सारे रोड्स ठीक कर दिए, सब टॉयलेट्स वहां पे बनवा दिए सबके यूज के लिए, पानी का वाटर सप्लाई अच्छा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जाता नहीं है घड़ी घड़ी, सो दैट इज अगेन इम्पैक्ट. सो दैट इम्पैक्ट असेसमेंट विल बी डन, दैट इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 10 CR, हाउ हैज इट इम्पैक्टेड द इकोनॉमी एज अ होल, एंड दैट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट विल बी डन बाय अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी. ओके, सो दिस इज अबाउट CSR. एक बार वापस फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ. CSR जो भी दया आता है वो सारी एक्टिविटी CSR में नॉट रेलिवेंट फॉर अस. व्हाट इज नॉट CSR? नॉट CSR में जो भी एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किया है, या एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया है एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग अपना स्पोर्ट्स पर्सनल, देन पॉलिटिकल पार्टी को अगर मैंने कुछ पैसा दिया है तो, अगर मैंने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कुछ किया है तो, अगर मैंने स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ किया है तो, या अगर मेरा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एंड आई हैव डन दैट, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ CSR. CSR मुझे कब लगेगा? नेटवर्थ मोर देन 500 crores, टर्न ओवर मोर देन 1,000 crores एंड नेट प्रॉफिट मोर देन 5 CR. तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन मैंने टिक कर दिया है, देन इन दैट केस I will have to apply CSR. Entry के लिए CSR applicability 1 साल का देखेंगे, लेकिन 3 साल तक consistently all 3 conditions not fulfilled, then I will become a company which does not have to comply with CSR activities. अगर CSR applicable हो गया, then how much amount I have to pay? 2% of the average net profits as calculated under section 198. Average net profits of the immediately 3 preceding financial years. But if I don't have 3 immediately preceding financial years, तो जितने preceding financial years है उसका average net profit is something which I'll have to transfer to towards CSR. Now I will see the amount that I'm transferring to CSR. Is it more than 50 lakhs
or not. If it is more than 50 lakhs, then I will need a CSR committee who will advise on all of this. Who will form part of the CSR committee? So three directors CSR committee mein honge. Agar independent director hai, to independent director bhi chahiye. Nahi hai, to two or more directors can form the CSR committee. If it is less than 50 lakhs, then I don't need a CSR committee. My board of directors can act. Private company mein two members can act as CSR. And foreign company mein one nominated person plus one independent person will act as a CSR committee. Now, if my CSR expenditure is more than 10 crores, then an independent agency will have to be appointed who will say that what is the impact of spending 10 CR on the economy, and that impact assessment study will be done by them. Now, when I have to spend this money, I have three options. One is ekdam dil khush hoke 2 crore ke badle 5 crore diya, excess amount spent, carry forward to the next year for a maximum of 3 years. Chingu ban gaye, maine kharcha hi nahi kiya. To isme kya hoega? Whatever amount is unspent will transfer to a fund within a period of 6 months from end of financial year, which is your 30th of September. थर्ड सिनेरियो, आई एम स्पेंडिंग इट ऑन एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है, एक साल में खत्म नहीं होगा, देन आई ट्रांसफर इट टू अनस्पेंट सी एस आर अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच इज योर 30th ऑफ अप्रैल एंड देन आई हैव टू स्पेंड द मनी लेटर ऑन. तो 3 साल तक वो अनस्पेंट सी एस आर में रह सकते हैं. अगर 3 साल तक भी मैंने उसको यूज नहीं किया, प्रोजेक्ट मेरा है जो वो स्टॉल हो गया, अभी मैं उसको नहीं आगे कर सकती हूँ कुछ, देन इन दैट केस वॉट विल हैपन इज दैट दिस अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 financial years विद इन 30 days आई हैव टू अगेन ट्रांसफर इट टू अ फंड. मेरा पैसा तो है ही नहीं, तो मेरे कंपनी के बाहर फंड में भेजना है, इज वॉट वी हैव टू रिमेम्बर. ठीक है, any questions, anything which you want me to repeat, we can repeat. Otherwise, we move on to the next part. Now, coming to copies of audited financial statement, kisko kisko jayega? To jayega every member, trustee of debenture holder, other person, 21 days before the जनरल मीटिंग. जब भी मेरा जनरल मीटिंग हुआ उसके 21 के डेज के पहले. सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनी, नेटवर्थ ऑफ मोर देन 1 crore, टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 crore. तो जो बड़ी कंपनीज है जो पब्लिक के पास से भी पैसा ले सकती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाएगा डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपी अंडर सेक्शन 20. तो फिजिकल कॉपी भी जाएगा, बट ऑनलाइन मोड में अगर मैंने भेज दिया है, मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन डिस्पैच्ड, व्हिच अगेन इज या सर्कुलेशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज. ये सेम है अपना, शेयर होल्डर्स इन डी मटीरियलाइज फॉर्म, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी पे दे सकते हैं. अदर शेयर होल्डर्स जिनका डी मटीरियलाइज में नहीं है उनको राइटिंग में जाएगा, बट बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इन डी मटीरियलाइज फॉर्म ओनली, दिस क्लॉज इज नॉट वेरी रेलिवेंट, स्पेशली फॉर लिस्टेड एंड पब्लिक कंपनीज. एंड फिजिकल कॉपी अगर प्राइवेट कंपनी है, ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, वट एवर इज देयर, उनको ये फिजिकल कॉपी ही जाएगा. अदरवाइज जो बड़ी कंपनीज है उनका मैं ऑनलाइन दे सकती हूँ ऑन ईमेल आईडी. अगेन 21 डेज क्या है, तो नोटिस जब भी जाता है मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग के लिए, दैट इज 21 डेज क्लियर नोटिस यू गिव. तो 21 डेज में दे सकते हैं. येस्टरडे व्हेन वी स्टडीड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वी सेड दैट इफ यू डोंट वांट टू कॉल मीटिंग विद इन 21 डेज पीरियड, यू कैन कॉल इट इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. शॉर्टर टाइम फ्रेम करना है तो कैसे कर सकते हैं? 95% ऑफ द मेंबर्स हैव टू अग्री, हूएवर हैज अ वोटिंग पावर ऑफ द शेयर कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कंपनी. सो इफ 95% अग्री, शॉर्टर ड्यूरेशन में हो सकता है तो कर सकते. तो यहाँ पे सेम क्लॉज है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 21 डेज में देना है, बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 डेज में नहीं दिया है, देन आई कैन डू इट एट अ शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोवाइडेड अग्रीड बाय 95% ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग वोटिंग पावर और द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. एंड अगर लिस्टेड कंपनी में अगर वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल किया है for inspection at registered office 21 days before the meeting, then also it's considered to be compliance. ठीक है? Now, copy of financial statements to be filed with the registrar. तो अभी AGM मेरा होगा. AGM is my annual general meeting. When I'm holding it, when will I have the annual general meeting? Within 60 days from the end of the
फाइनेंशियल ईयर, व्हेन इज द एनुअल जनरल मीटिंग, बोलो जरा मेरे को। जल्दी बोलो, ये नहीं आया ना तो तुम लोग एग्जाम मत देना, इतना नहीं आया तो। व्हेन इज एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड, जल्दी। No one is answering. कल तो पढ़ा था, ऐसा क्या करते हो? Extremely bad. Annual general meeting. अगर first annual general meeting है तो within 9 months from the end of the financial year. अगर subsequent annual general meeting है तो within 6 months from the end of the financial year. Time gap between two AGMs cannot exceed 15 months. If you do not remember this, do not go for the examination at all. Very bad. Now, okay. अभी लिखा मैंने, ठीक है, I'm assuming time gap की वजह से, ठीक है। So 6 months from the end of financial year, जब भी मेरा annual general meeting होता है, उसके 60 days के अंदर मेरे को annual return file करने का है। Now it is saying that annual return file करेंगे, financial statements सब कुछ साथ में file होता है। तो financial statements when I will file with the registrar. तो annual general meeting मेरा hold होगा, इसमें मैं shareholders को financial statements का copy दूंगी, वो लोग देखेंगे, वो लोग उसको approve करेंगे, then उसको लेके मैं registrar को दे दूंगी. So within 60 days from the end of the from the date of AGM, I will give the financial statements to the ROC. अभी वो क्या बोलता है? Two scenarios हो सकता है कि जो मैंने financial statements दिया है, दे सेड अरे वाह मस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अडॉप्टेड इट, देव अप्रूव्ड इट इन द एजीएम, देन इन दैट केस आई हैव टू फाइल इट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम. एंड समटाइम्स इट हैपेंस दैट दे विल कम आउट विद इश्यूज एंड दे से दैट दिस इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट. सो इफ इट गोज अनअडॉप्टेड, अगर वो अडॉप्ट नहीं हुआ इन द मीटिंग, देन वॉट आई हैव टू डू इज फर्स्ट फाइल द अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द आरओसी, देन वापस अर्जेंट मीटिंग होगा जहां पे उनको मैं रिवाइज करके दूंगी, और फिर वो जो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो अडॉप्ट होता है, दैट अडॉप्टेड स्टेटमेंट आई विल गो एंड अगेन फाइल इट विद आरओसी. तो वहां पे दो बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, अडॉप्ट हो गया तो एक ही बार में विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ द मीटिंग, अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट अनअडॉप्टेड, देन अगेन अर्जेंट मीटिंग हैपेंस, देन अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे करके मैं फाइल करूंगी. दोनों में भी 30 days में करना है. सो ये जो स्टेटमेंट्स है 30 days में करना है. एनुअल रिटर्न जो है, सो यू राइट डाउन समवेयर इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 days फ्रॉम एजीएम, ओके, एंड एनुअल रिटर्न 60 days फ्रॉम एजीएम, दोनों अलग अलग है. Okay, and this unadopted part is very very important, and I had got a chance to actually do it because mujhe, I never knew ki aisa unadopted bhi hota hai. I thought maybe it's just theory, but it actually happens, and if it happens then you have to file twice unadopted. Theek hai, now XBRL format, कौन सी कंपनीज है जिसको XBRL फॉर्मेट में लगेगा, तो लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरीज, पेड अप कैपिटल मोर देन 5 crores, टर्नओवर मोर देन 100 crores. बट यू कैन आइडियली डू इज लाइक मेक अ चार्ट सेइंग कि एलिजिबल कंपनी फॉर डिपॉजिट्स क्या क्राइटेरिया है, फिर अपना अभी क्या पड़ा CSR का क्या क्राइटेरिया, जहां पे भी ऐसे क्राइटेरिया है जस्ट राइट इट डाउन एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग इट, सो यू नो कि एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है, अदरवाइज इट मे गेट कंफ्यूजिंग एट द एंड. पेड अप कैपिटल मोर देन 5 crores, टर्नओवर मोर देन 100 crores, कंपनीज कवर्ड अंडर द कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स इन एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज रूल्स. तो ये जो कोई रूल्स है उसके हिसाब से अगर कोई कंपनी है तो उनको भी XBRL फॉर्मेट में देना है.
banking, insurance, power sector, non-banking financial companies are exempted from XBRL filing because they are doing their own filing. तो financial statement से ही exemption है, तो XBRL से भी उनको exemption है. But this is something which has been asked time and again. So if they say that Mr. ABC housing finance company है, उसको करना है, या NBFC है, उसको करना है. So you have to see whether it is first applicable, not applicable, then see the turnover criteria, all of that, and then decide whether XBRL has to be filed or not. Last part of this chapter is internal audit. Kisko kisko internal audit lagta hai? Again, important to remember these clauses because it is useful for both audit and law. Agar listed company hai to, unlisted public company hai to, agar paid up capital 50 crores or more, turnover 200 crores or more, क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग. इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक इट इज इन योर May 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट्स इन योर May 24 आरटीपी. व्हाट इज इट सेइंग दैट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 क्रोर्स, बिकॉज दिस आई हैव सीन इन योर May 24, एक्सीडिंग 100 क्रोर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. तो अगर मेरा एक लोन्स और बोरोइंग्स बन गया 130 क्रोर्स इन सेप्टेम्बर, देन आई रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज 90 क्रोर्स, आई थिंक दैट वॉज एग्जैक्टली द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड. देन इन दैट केस वॉट यू विल डू इज, बिकॉज एट एनी टाइम इन द ईयर इट हैज एक्सीडेड 100 क्रोर्स, येस इंटरनल ऑडिट विल बी एप्लीकेबल. आई डोंट हैव टू सी एट द एंड ऑफ द ईयर, आई हैव टू सी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज इट्स देयर इन योर आरटीपी, हाई चांसेस की पूछ सकते एग्जाम में. So just circle and remember this. Then deposits be same at 25 crores or more at any time during the year. Private company mein 200 crore hai, same turnover, and ye bhi same hai, 100 crores ka outstanding loan. Wahan pe apan deposits nahi dekhte, paid up share capital nahi dekhte, wo sirf apan public company ke liye dekhte. ओके, इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, अदर प्रोफेशनल, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ठीक है, सो वी एंड दिस चैप्टर हियर एंड वी विल स्टार्ट विथ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. शुड बी समवेयर, यस, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वेरी स्मॉल छोटू पपलू चैप्टर. एंड उसके बाद फेमा करेंगे, अगेन इजी चैप्टर बिकॉज उसमें केस स्टडी के ही चांसेस है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास वॉट काइंड ऑफ केस स्टडीज विल बी आस्क्ड विद फेमा. आई विल रीसेंड द क्वेश्चन विच आर देयर, जो अपन ने सी ए फाइनल से लिए, तो सी ए फाइनल में जो क्वेश्चन पूछे थे वैसा ही पूछेंगे जैसे एल एल पी में फाउंडेशन में पूछा था. सो दोज क्वेश्चन, I think someone should have those questions. I'll send it on the group. Agar rahega to please bhej dena, otherwise I'll send it by tomorrow. And so that FEMA ke questions apan ne kiye. So again FEMA mein wo typical questions hai, wo hi puchhenge. Company incorporated outside India RTP mein ek question tumhara aaya hai. So that we, I think bhul se apan ne kar diya tha wo din. तो वो एक क्वेश्चन जो है वो तुम लोग अच्छे से करके जाना, बट इट्स नॉट मच हियर. सो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक एंड देन कम बैक एंड फिनिश बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड देन डिस्कस अबाउट वे फॉरवर्ड. ठीक है.